ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार से राजस्थान संपर्क पोर्टल या ऐप के माध्यम से हम लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके लिए हमें SSO ID की आवश्यकता होती है और SSO ID बनाना और SSO ID पर लॉगिन करने के बाद राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ID बनाना वो सब मैं सिखा चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे sso.rajasthan.gov.in लिखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आएगा, उस पे अपने को क्या लिखना है, उस यहाँ पे अपने को जो भी हमारी वेबसाइट होती है SSO ID होती है वो SSO ID यहाँ पे लिखना है। और SSO ID लिखने के बाद, जैसे हम SSO ID लिख देते हैं, SSO ID लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है उसमें पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद हमें यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है वो डालना होगा और कैप्चा कोड डालने के बाद हमें साइन इन यहाँ पे जो दिया गया है लॉगिन पे क्लिक करना होता है। साइन इन और लॉगिन एक ही चीज होती है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन इस तरह की आ जाती है, SSO ID ओपन हो जाती है। SSO ID ओपन होने के बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है, हमें राजस्थान संपर्क में जाना है। तो राज लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पे राज लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है राजस्थान संपर्क। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, मुझे यहाँ पे क्विक सर्च पे जाना होगा और यहाँ लिखना होगा RAJ राज। जैसे मैं राज करता हूँ तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं राज संपर्क है, राज संपर्क पे क्लिक करना है। जैसे हम राज संपर्क पे क्लिक करते हैं तो राजस्थान संपर्क की वेबसाइट पे पोर्टल पे पहुँचा देता है। जब हम फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं कि पहली बार राजस्थान संपर्क ऐप में जाते हैं तो इस तरीके से एक ऑप्शन आता है। इसमें क्या करना है, आपको नेम अपने आप आ जाएगा, फोटो अगर आपने आधार कार्ड से बनाई हो तो अपने आप आ जाएगा, फादर नेम है जो फादर नेम आपको डालना है, आईडी प्रूफ जो भी होती है वो आईडी प्रूफ डालनी है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आएगा, मेल अपने आप आ जाएगा, या आईडी नंबर डालना है जो भी डाल रहे हो यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर फोन नंबर है तो फोन नंबर डाल देंगे, वरना मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे जो दिया हुआ है एरिया टाइप में अपने को, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल करना है और यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन करना है। मैंने यहाँ पे अर्बन किया है और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना, जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया इसमें इमानवल स्कूल 60 फीट रोड अलवर। इसके बाद कंट्री लेना है, इंडिया, स्टेट राजस्थान, अलवर, इसमें जिस पे स्टार लगा हुआ है वो सभी कंपलसरी हैं। यहाँ पे सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड नंबर, पिन नंबर, ये सब डालने के बाद ईमेल आईडी अपने आप आ जाती है और यहाँ कंटिन्यू साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये राजस्थान संपर्क पोर्टल के होम पेज पे पहुंच जाएगा, डैशबोर्ड पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से ये दिखता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी। हमें क्या करना है, आज इसमें शिकायत को कैसे करते हैं, शिकायत दर्ज करना सीख रहे हैं। तो शिकायत दर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, राजस्थान संपर्क पोर्टल की जो ये सेवाएं हैं इनमें सबसे पहले होम ये खुला हुआ है, इसमें हमें जाना है ग्रीवियंस में। तो ग्रीवियंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रीवियंस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन खुल जाएगा और जैसे ग्रीवियंस ऑप्शन खुलेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और राजस्थान संपर्क पोर्टल ये शिकायत है, अपनी शिकायत दर्ज करें। इसको ध्यान से आसानी से सीखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आने वाले भविष्य में सारी शिकायत इसी प्रकार से होंगी और इसका फायदा भी होता है। फायदा इसका क्या होता है कि यदि हम शिकायत इसके थ्रू करते हैं तो उच्च अधिकारी कॉल करता है नीचे के अधिकारी से, नीचे का अधिकारी कॉल करता है आपकी जहाँ शिकायत है वहाँ पे और वो आपके पास कॉल करके खुद आता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फोन से कॉल से शिकायत करते हो या उसको बोलते हो जाके, जैसे मान लेते हो उदाहरण के लिए एक बिजली विभाग की कोई शिकायत है तो उसके पास आप जाते हो या उसे बोलते हो तो वो आपकी बात नहीं मानता है और बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आप यहाँ से करेंगे तो आप इसके लिए ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, शिकायतकर्ता का विवरण डालना है, जैसे मोबाइल नंबर है तो मैंने इसमें मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे प्रमाण का चयन करना है, जैसे वहाँ पे आईडी थी वही वाला है। इसमें पहचान के लिए जो आईडी लेंगे, जैसे आधार कार्ड लेंगे तो आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। यहाँ से आपने अगर आधार कार्ड लिया है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है।
इसके बाद नाम है, नाम अपने आप आ जाएगा। लिंग आप पुरुष से महिला है वो डालना है। पिता का नाम वहीं से अपने आप आ जाएगा जो आपकी आईडी है, चाहे तो उनको बदल भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ग्रामीण शहरी ये सारे इसलिए आ गए क्योंकि मैंने ये वहाँ पे पीछे किए थे। देश आपने भारत लेना है, राज्य जो भी राज्य है वो डालना है, राजस्थान है जैसे, जिला अलवर है तो अलवर डालना है, कस्बा मैंने अलवर डाला है, मैंने ये शहरी लिया है, और प्लस वार्ड, वार्ड नंबर 42 से वो डाल दिया, कॉलोनी अपने आप आ जाएंगी इसके अंदर। लैंडमार्क अगर कोई नज़दीक कोई जगह है तो उसके बारे में डाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लैंडमार्क डाल सकते हो उसके आसपास की जो जगह होती हैं, जिस ताकि वहाँ पे उसको पहचानने में आसानी हो। पिन नंबर डालना है, पूरा पता डालना है यहाँ पे, जो भी आपका पता है उसको पूरा डालना है। अधिकतम यहाँ पे जो पते का अक्षर दिया गया है 500 अक्षर हैं, 500 तक के आप डाल सकते हो। शिकायत, दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, ये ऊपर वाला टॉपिक था जो शिकायतकर्ता की जानकारी थी, शिकायत कौन कर रहा है। इसके बाद में दूसरा नंबर टॉपिक होता है, वो होता है शिकायत क्षेत्र विवरण। शिकायत क्षेत्र विवरण में सबसे पहले तो स्थान खोजें आप कहाँ किस जगह के, ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों अलग अलग जानकारी भी हो सकती हैं। आप शिकायत के लिए किस जगह की शिकायत कर रहे हो, शहर की, वहाँ पे एड्रेस डाल दिया मैंने, शहरी है या ग्रामीण तो मैंने शहरी शिकायत कर रहा हूँ, इसमें मैंने जिला ले लिया, मैंने कस्बा में अलवर ले लिया, वार्ड नंबर 42 ले लिया, कॉलोनी इसमें अपने आप आ जाएंगी, लैंडमार्क और ये वही अब उसके आसपास की नज़दीकी जानकारी जहाँ पे हम लोग समस्या है उस जगह का डालना है। जैसे मुझे शिकायत क्षेत्र मुझे जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी का करना है, बिजली का, तो वो मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया है। पुलिस थाना कौन सा लगता है वो डालना है आपके नियर में, तो एनी भी थाना लग रहा है तो एनी भी डाल दिया है। और निर्वाचन क्षेत्र कौन सा लगता है अपना, शहरी है तो वो डाल दिया है। ये दोनों पे स्टार नहीं है, चाहे अगर नहीं पता तो आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में तीसरा और लास्ट टॉपिक आता है शिकायत का विवरण। शिकायत के विवरण में हमें करना होता है कि विभाग का प्रकार, विभाग का प्रकार, यहाँ पे बहुत सारे विभाग हैं तो मैंने इनमें से विभाग ले लिया। विभाग और कार्यालय, संस्थान, अकेडमी, विश्वविद्यालय, किस किस शिकायत है, तो ये क्या है, जैसे ये है अपनी विभाग की है जिसमें, क्योंकि जो विद्युत विभाग है वो लिमिटेड है तो इसका मतलब निगम में आता है, तो मैंने ये निगम लिया है। और यहाँ पे निगम लेने से यहाँ पे शिकायत में से लिस्ट में से साइड में जो त्रिभुज का पॉइंट है इसमें से लेके आपको जो भी आपका विद्युत विभाग है उसका करना है। जैसे हमारे यहाँ का है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो ये है, इसको लिया मैंने। प्रमुख विषय इसमें कुछ नहीं आया था, इसलिए विशेष शिकायत है। जैसे मैंने उच्च अधिकारी या कर्मचारी द्वारा समुचित कार्य न करने के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है, इसमें से ये किया जाना, इसमें बहुत सारे हैं, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। शिकायत का प्रवर्ग जो दो है इसके अंदर, या तीन सॉरी, व्यक्तिगत कर रहे हो, सार्वजनिक कर रहे हो या सेवा में, तो आप व्यक्तिगत भी कर सकते हो उसको। इसके बाद में यहाँ पे शिकायत बिंदु, सुधार और विकास सुझाव के लिए जो भी आप डालना है, इसमें भी कुछ पॉइंट है वो आप डाल सकते हो जो तुम्हें सही लगता है। इसके बाद शिकायत का विवरण डाल रहा है, जैसे शिकायत का विवरण मेरा है इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर टाइम पर नहीं आती है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसमें हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी जानते हो तो इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश लिख सकते हो। और ये 1953 वर्ड अक्षर हैं जो बचे हुए हैं, इसमें आप डाल सकते हो पूरा, क्या राहत चाहिए, समय पर काम चाहिए, तो आप वो डाल सकते हो कि आपको क्या समस्या मतलब समाधान चाहते हो। अब इसमें लिखा हुआ है कितने समय से आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं, शिकायत और आयु, पहले शिकायत दर्ज कर, पहले शिकायत दर्ज करनी है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप इस समस्या का दिनों से कर रहे हो, तो महीनों से कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, कितने से कर रहे हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने कर दिया सालों से कर रहे हैं, तो सालों से कर रहे हैं ये लिख दिया है। इसके बाद में पहले शिकायत दर्ज करें, दर्ज करिए अपने, नहीं अपन नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर आपने शिकायत करी थी उसकी कोई आपके पास एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन कंप्यूटर से स्कैन करके या मोबाइल से फोटो खींच के या फाइल को सेलेक्ट करके अटैच कर देंगे, और वो जो फोटो आप अटैच करेंगे वो PDF, JPG, JPEG, विनरार, विनी, MP3, MP4, वीडियो सब ले सकता है, और 25 MB तक के डाटा इसको ले सकता है। इसके बाद में यहाँ दर्ज करें, नंबर दे रखा है वो नंबर दर्ज करने हैं, जैसे 7155 जो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे है चेक मार्क लगाना इस बॉक्स पे, और लास्ट में सब होने के बाद में इसको कर देना है सबमिट, और सबमिट होने के बाद अपनी शिकायत हो जाएगी सबमिट। तो इस तरीके से हमने जाना आज राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत करना, शिकायत दर्ज करना। तो इस तरीके से यदि आप अपनी कोई भी शिकायत हो तो उसे दर्ज करें, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए दर्ज करें। यदि आपके पास SSO ID नहीं है
और आपने रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं कर रखा, तो किस तरीके से राजस्थान संपर्क पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं, इन दोनों का लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप उसमें से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, एसएसओ आईडी बना सकते हैं और एसएसओ आईडी बनने के बाद आप राजस्थान संपर्क एक्ट पे आईडी बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद ये शिकायत कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरीके से नई वीडियो आपको मिलते रहें। इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेके आने वाला हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियो होगी, जिसमें हम शिकायत को स्थिति देखेंगे, ये सीखेंगे, शिकायत हमने की है उसका फीडबैक कैसे लेंगे वो जानेंगे। तो इस तरीके से यदि हमें इससे संबंधित और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर देखते रहें, सब्सक्राइब करके रखें और इसको लाइक कमेंट शेयर करते रहें। नमस्कार, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।